नमस्कार, CCL के D20 सीरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ हूं अखंड ज्योति गुप्ता। घरों के आंगन में तुलसी माँ के पौधे को देखते ही मन में एक प्रसन्नता छलक उठती है। जिन विशिष्ट प्रकार के गमलों पे तुलसी जी को स्थापित किया जाता है, आज उन्हीं गमलों के कुछ डिजाइन से प्रेरणा लेते हुए हम इस लैंप को बनाएंगे। आप इस लैंप को बनाने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा टेम्पलेट्स को डाउनलोड करें और उसे प्रिंट करके चार्ट पेपर पे चिपकाएं और फिर काट लें। यह जितनी अनोखी डिजाइन दिख रही है ना, इतना ही मजेदार इसका गणित भी है। इस लैंप को अगर हम चारों तरफ से देखें तो हमें दिनों या रात तारे ही तारे नजर आते हैं। इन 8 कोण वाले तारों को हम गणित की भाषा में ऑक्टाग्राम कहते हैं, और ऐसे 6 ऑक्टाग्राम को आपस में इंटरसेक्ट कराने के बाद हमें ये पूरा लैंप मिल जाता है। ये ऑक्टाग्राम हमें इस ऑक्टागन शेप से मिले हैं, वो हम इस मॉडल में बहुत अच्छे से देख भी सकते हैं, जहां पर 6 ऑक्टागन्स को आपस में जोड़ दिया गया है। 3 ऑक्टागन जिस पॉइंट पर मिल रहे हैं उनके तीनों ट्रायंगल्स को हमें कट करना है, जिससे हमें ये कोने कुछ इस तरीके से दिखेंगे, और ऐसा हम सभी इंटरसेक्शन पॉइंट पर करेंगे। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि ऑक्टागन की हर साइड के मिड पॉइंट को इतना नीचे की तरफ खींच कर ले जाए जहां पर हमें 90 डिग्री का एंगल मिल जाए, और ऐसा हमने सभी ऑक्टागन के साइड के साथ किया। इसके अंदर के खाली जगह को भरने के लिए हमने पेंटागन का यूज किया है और उसे इतना नीचे तक लेके गए हैं कि वो ऑक्टागन के बेस से मिल जाए, और वहां पर हमें कुछ ऐसा स्क्वायर मिलता है, और ऐसा करने से हमें 6 स्क्वायर्स मिलते हैं। इस लैंप का नाम भले ही आप बोल ना पाए, पर इसे घर पे बनाए जरूर और घर को सजाए जरूर। धन्यवाद।